हरखौदा में स्कूली विद्यार्थियों को फ्री में बांटे गए टैब। हरखौदा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वीरवार को खंड स्तर पर टैब वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडल हरखौदा SDM शिखा द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को 240 टैब व 14 टैब अध्यापकों को वितरित किए गए। कार्यवाहक खंड शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज इस प्रोग्राम में स्कूली छात्रों को जितने भी टैब वितरित किए गए हैं वो सभी निःशुल्क है। इसके अलावा इन विद्यार्थियों को प्रतिदिन 2 GB डाटा इंटरनेट यूज पढ़ाई के लिए करेंगे। इस मौके पर खरखौदा कार्यवाहक खंड शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा, स्कूल प्राचार्य नीलम दहिया एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इसके अलावा मीना नवाल, पवन खरखौदा, गुलशन ठेकेदार, प्रीतम खोखर, आजाद सिंह मौजूद रहे। क्योंकि आज आपको सरकार की तरफ से ऐसा इनाम मिला है जिसके सबसे अधिक आवश्यकता थी। ये जो आपको टैबलेट मिले हैं, हमने देखा कोरोना काल में जब ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत आन पड़ी तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल आई वो हमारे बच्चों को आई, क्योंकि जो जिन बच्चों के पास ऑलरेडी टैबलेट थे या लैपटॉप थे उनको प्रभाव कम रहा कोरोना का, क्योंकि उनकी शिक्षा लैपटॉप के माध्यम से चलती रही, परंतु हमारे जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी थे उनकी शिक्षा प्रभावित हुई, जिसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना महत्वपूर्ण कदम लिया और आप सबको टैबलेट प्रोवाइड किए गए। मैं अगर अपने समय की बात करूँ, मतलब आज से 15-20 साल पहले, तो हमें अपना जैसे तैयारी के लिए पढ़ने के लिए बुक्स ढूंढनी पड़ती थी, स्टडी मटीरियल फोटोकॉपी कराना, मांग करके किनसे अरेंज करना पड़ता था। तो आप लोगों के लिए आधी समस्या का तो समाधान हो ही गया। आजकल हर चीज आपको बस गूगल पे आपको एंटर करना है कि हिस्ट्री की नोट्स चाहिए, हिस्ट्री की अवेलेबल है, पॉलिटी के देखने हो तो पॉलिटी अवेलेबल है, सारा संसार आपके सामने है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है, आपको जितने भी मेहनत करनी है केवल ये सोचने में करनी है कि हमें इसका उपयोग कैसे करना है, सही उपयोग कैसे करना है। आप आज के दिन डाटा कलेक्शन का इशू नहीं है, आज के दिन इशू है रेलिवेंट डाटा कलेक्शन का, कि आप ठीक चीजें जो है वो जो जरूरत की आपको लगते हैं कि हाँ मुझे इस फेज में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसको सर्च आउट करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये सरकार की मुहिम है आप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, एक अच्छा रिजल्ट देकर, एक होनहार स्टूडेंट बनकर और अपना एक सुनहरा भविष्य रचकर। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही शुभ कार्य किया गया है कि आप सबके लिए जो है ये टैबलेट जो है सरकार द्वारा दिए गए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम जितने भी शब्द कहें उतना ही थोड़ा है, क्योंकि जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बनी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन भी आराम से नहीं बैठे हैं, सरकार को नए नए जो है आयाम दिए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे खेलों का हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की सोच करते हुए ये सबसे बड़ी पहल की है कि हमारे बच्चों को जो कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा दुखी होना पड़ा, तो केवल और केवल सरकारी स्कूल के बच्चों को होना पड़ा, और इससे हमारा जो शिक्षा का स्तर था वो काफी हद तक जो है प्रभावित हुआ। जैसे आज ब्लॉक खरखौदा बॉयज से जो है शहर का स्कूल था बड़ा खरखौदा बॉयज का, और यहाँ पर 254 हमें टैब मिले, जिसमें से 240 टैब विद्यार्थियों के 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, और जो 14 टैब हैं भी अपने प्लस टू के टीचर के लिए और मैट्रिक के टीचर के लिए। इस टैब में क्या है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ है, जिससे क्या है बच्चा हरेक विषय का कोई भी उसमें टॉपिक हो उसको देख सकता है, दिन में देखे रात को देखे, तो उससे बड़ी आसानी रहेगी। जो बच्चे बार बार भूल जाते हैं, बुक्स उठाने की उनको दिक्कत होती है या बुक्स उनके पास नहीं होती, वो सारी समस्याएँ खत्म होती। इसको गवर्नमेंट ने इंटरनेट से चलेगा, 2 GB डाटा दिया हुआ है और सब कुछ फ्री में है चलना। उनको संदेश ये है कि भाई इसका ना मैक्सिमम प्रयोग करो, और कम्युनिकेशन और जो स्किल आप इससे डेवलप कर लोगे तो बहुत सक्सेस होगी टोटल। अब जो हमारे जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ रहेगी 10वीं 12वीं एट प्रेजेंट, पहले दो नहीं को मिलेंगे, जो जहाँ तक टैब अपने इसमें ब्लॉक में तो 254 आए हैं, लेकिन 10वीं की जो स्ट्रेंथ हमारी वो 951 है और 12वीं की है 1298, तो ये टैब तो मिलेंगे ठीक है। और जैसे भी हमारी स्कीम चलती रहेगी टैब सभी विद्यार्थियों को मिलेगा।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।